उदाहरण 14। निम्नलिखित समीकरण में चरों के मान ज्ञात कीजिए। 2x ऋण 5y बराबर ऋण 8, x ऋण 4y बराबर ऋण 7। हल। समीकरण दो एक्स ऋण 5y बराबर ऋण 8, ये हमारा समीकरण एक है। एक्स ऋण 4y बराबर ऋण 7, ये समीकरण दो है। समीकरण दो से एक्स बराबर ऋण 7, ऋण 4y का पक्षांतर करने पर धन 4y, इसे हम समीकरण तीन मानते हैं। एक्स के इस मान को समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक हमारा है 2x ऋण 5y बराबर ऋण 8, एक्स के स्थान पर हम ऋण 7 धन 4y रखेंगे समीकरण 3 से, तो 2 कोष्टक में ऋण 7 धन 4y, कोष्टक बंद, ऋण 5y बराबर ऋण 8, या कोष्टक को खोलने पर ऋण 14 धन 8y ऋण 5y बराबर ऋण 8, या 8y ऋण 5y 3y बराबर ऋण 8 धन 14, ऋण 14 का पक्षांतर हुआ तो धन 14, चिन्ह उलट जाएगा, ऋण का धन 3y बराबर ऋण 8 धन 14 बराबर 6, या y बराबर 6/3, या y बराबर 2। y के इस मान को समीकरण तीन में रखने पर x बराबर ऋण 7 धन 4y, या x बराबर ऋण 7 धन y के स्थान पर 2 रखेंगे तो 4 दुनी 8, या x बराबर 1। अतः x बराबर 1 और हमने y का मान 2 निकाला, तो इस तरह से हमने समीकरण का हल करके x का मान 1 और y का मान 2 प्राप्त किया, यह इस प्रश्न का हल है।